हुआ, कितना किलोमीटर पड़ता है? जैसे 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलो चलो निकलो, देर हो गई। तो गाइस गोवा को पहुंच चुके हैं, सिर्फ अभी बीच पे जाना बाकी है। चलो बीच पे मिलेंगे फिर। ये पूरा एक्साइटेड गोवा में पहुंच चुके हैं। हाँ देखेंगे, चलो जाएंगे। वैभू ने तो फर्स्ट टाइम गोवा देखा है, मतलब समुद्र उसको देखना था। हम तो घूमते रहते हैं, हमारा क्या। ये कोलवा बीच है, कोलवा है ना बीच। चलो और बहुत प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हम। भाई कैसा लग रहा है गोवा देख के? चश्मा पहन ले ले। तो पूछते कि कोलवा बीच कैसे लगा? अरे बहुत अच्छा है भाई, जिससे यहाँ बहुत देसी माल भर भर के बना। मजा आया, पूरा देसी माल बना हुआ है, मतलब फॉरेनर चाहिए इसको। नेक्स्ट बीच इज वांट टू सी फॉरेनर्स, यू वांट टू सी फॉरेनर। ये रहा नहीं जाता भाई। वो क्या बोलता है मैच के बारे में? एकदम थरकी साला। टोपी वोपी लेना है इनको। बीच में बहुत मस्ती वस्ती कर लिए, अभी थोड़ा स्टे करने के लिए जाएंगे, रिसोर्ट वर्सोर्ट देखेंगे। चलो चलो बाय बाय। अभी फिलहाल कैलंगुट बीच पे 100 रुपए का पार्किंग दोबारा से देख के साला रूम मिला नहीं, पूरा रात को घूमते रहे, फाइनली एक रूम मिला। और वो भी सिर्फ 12 घंटे का स्टे रहता बोलते हैं। चलो भाई कैलंगुट। हाँ तो कैलंगुट बीच में पहुंच चुके हम लोग, यहाँ पर बहुत पब्लिक है, टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा बीच है, मतलब अपने भाई के लिए बहुत हरियाली का बहुत स्कोप है। हरियाली हरियाली बहुत है भाई, समझ रहे हो? एक तो खुल गया, दोनों भाई बीच में कूदने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक तो साला शर्ट निकाल के खड़ा है, बस कब कूदू कब कूदू। यहाँ पर भाई कब कूदने वाला भाई? अभी निकलने वाला है, कपड़े बदल, निकल कपड़े निकाल भाई, कपड़े निकाल जल्दी जल्दी। नहीं कम से कम 5 से 6 साइट दिखाने वाले। ये लाइट हाउस है, ये अगोड़ा फोर्ट है, और ये गोवा जेल। इससे गोवा जेल साला जेल लग रहा है क्या? बंगला समझ गया। कौन सा बीच है वो? कोलंगुट। अभी हम कोलंगुट बीच से निकले, चर्च देखने जाएंगे। कौन सा रखे जा रहे हैं? अभी गोवा का फेमस चर्च है। बहुत बहुत ट्रैफिक है और बहुत गर्मी है गोवा में, बिल्कुल भी गर्मी का टाइम मत आना इधर, एसी के बिना जिंदगी झंड हो रही है। बेसिकली ये बॉम जीसस चर्च है जो फिलहाल के लिए बंद है कुछ। अभी ये दूसरे चर्च में निकल रहे हैं हम लोग, काफी सुंदर है। ये साले छपरी लोग गजब बेइज्जती है। ये साले छपरी लोग पूरे गाइड को मानसिक कर दिए, वो बेचारा बोल रहा था गाइड गाइड, ये लोग बोल रहे हैं हम ही गाइड है, 200 रुपए में घर चला जाएगा बोला उसको। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। चर्च जाने का प्लानिंग चल रहा है, एक और चर्च को आ चुके हैं, व्हाइट चर्च, काफी सुंदर और बड़ा है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बीच को निकलने वाले, सब लोग एक्साइटेड, ये तो दरवाजा तब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो निकलते हैं बागा बीच को। ये बागा बीच पे पहुंच चुके। हेलो हेलो जी, हेलो जी। हम यहाँ गवर्नमेंट पार्क पे कार पार्क कर चुके हैं, अब हम गोवा के बागा बीच पे जा रहे हैं। अभी नाइट शो वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, डांसिंग करके वहाँ पे हिल डुल के कुछ पीके नहीं, सिर्फ डांस पीस करके आएंगे। हाँ और थम्स अप पिएंगे। हाँ। सिर्फ थम्स अप पिएंगे क्योंकि हम लेते नहीं है अभी अभी तो। झूठ बोल रहा है। बाय चलो। गोवा में नाइट बहुत अच्छा है, गोवा इज वेरी गुड फॉर नाइट, बहुत सही लाइटनिंग वगैरह बहुत कुछ है इधर, कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हो इधर।
फाइनली एक ठीक ठाक रूम मिला जिसमें स्विमिंग पूल हो। ठीक है, देखेंगे कैसा है। लगेज वगैरह सब रख चुके हैं और ये बालकनी और नीचे एक स्विमिंग पूल। वेल एंड गुड, मिलेंगे अभी। चलो अभी अगोड़ा फोर्ट के लिए निकलते हैं। काफी धूप है इधर, ऐसी कड़ी धूप में अभी अगोड़ा फोर्ट को आया देखने के लिए। चलो देखेंगे कैसा होगा अगोड़ा फोर्ट। यहाँ पर अगोड़ा फोर्ट में पूरा का पूरा समुंदर दिखता है, बाकी सब स्पॉट है, अच्छा है। मैं किसता हूं और बीच में हर इसका अबे चुप बैठो भाई, स्पॉट दो। दिल्ली का जेल वगैरह सब मिलेगा आगे वीडियो में देखेंगे। गोवा जेल है, आ गए अभी जू विजिट करने। बाबू वो धमाल जैसा आवाज निकल रहा है। ये कुछ खास नहीं है, ये बाहुबली में ऐसा है ना। ओ भांगड़ बिल्ला हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी। मतलब